साथियों, आज हम आपको टाइटैनिक जहाज के बारे में ऐसी 8 अनोखे बातें बताऊंगा जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही आनंद आने वाला है। साथियों, टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई करीबन 270 मीटर थी। यदि इसे खड़ा कर दिया जाए तो इसकी ऊंचाई उस समय सभी इमारतों में भी ज्यादा ऊंची थी। इस जहाज की ऊंचाई 17 मंजिल इमारत जितनी थी। यह उस समय का सबसे बड़ा यातायात का साधन था। साथियों, आज से करीबन 109 साल पहले टाइटैनिक जहाज के साथ हुए हादसे के बारे में शायद हम सभी जानते हैं। अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका और न्यूयॉर्क के लिए पहले सफर पर निकला था। और ये जहाज अपने पहले सफर के 6 दिन ही ये जहाज लगभग एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, यह जहाज अटलांटिक महासागर में स्थित एक विशाल हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए और यह देखते देखते ही जहाज जल में जलमग्न हो गया। साथियों, आपको बता दें कि इस हादसे में लगभग 1500 से भी ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी, जो उस समय का बेहद ही भयावह घटना थी। टाइटैनिक के साथ हुआ हादसा इतिहास का सबसे बड़ा क्रूज शिप एक्सीडेंट है। आज हम आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ बेहद ही जबरदस्त तथ्य बताने जा रहे हैं, जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। साथियों, टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड का जहाज था, जो अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा पानी में चलने वाला जहाज था। इस जहाज का मालिक व्हाइट स्टार लाइन था। इसे हरलैंड एंड उल्फ कंपनी ने बनाया था। टाइटैनिक जहाज को बनाने में लगभग 3000 लोगों की एक भारी भरकम टीम लगी थी। यह जहाज 31 मार्च 1909 को इसका काम शुरू हुआ था और 26 महीने के बाद 31 मई 1911 को यह पूरी तरह से तैयार हो गई। इसके निर्माण के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई थी और यह करीबन 246 लोग घायल हुए थे। साथियों, इस जहाज के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने इस जहाज के लिए हरलैंड एंड उल्फ कंपनी को 17 दिसंबर 1908 को ऑर्डर दिया था, जिससे यह जहाज तैयार होकर 10 अप्रैल 1912 को पानी में पहले सफर पर निकला था। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका और न्यूयॉर्क के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी, जो बीच यात्रा के दौरान ही यह जहाज 15 अप्रैल को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा इस जहाज की पहली और आखिरी तारीख थी। साथियों, टाइटैनिक जहाज की अटलांटिक महासागर में स्थित विशाल हिमखंड के साथ 14 अप्रैल की रात 11:30 बजे टक्कर हुई थी और करीबन 2 घंटे 40 मिनट के बाद यानी 15 अप्रैल को यह अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब गया था। मित्रों, भाप से चलने वाला टाइटैनिक की पहला यात्रा में कुल 2240 लोग सवार थे, जिनमें यात्रियों के साथ क्रू मेंबर और अन्य स्टाफ भी शामिल था। साथियों, इस हादसे में लगभग 1500 से भी ज्यादा लोग अटलांटिक महासागर में डूबकर मर चुके थे। मित्रों, टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई करीबन 270 मीटर था। यदि इसे खड़ा कर दिया जाए तो इसकी ऊंचाई उस समय सभी इमारतों से भी ज्यादा ऊंची थी। मित्रों, अंत में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि इस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब रॉयल मेल शिप था। इस हादसे के वक्त यह विशाल जहाज जमीन से करीबन 640 किलोमीटर दूर पे था, लिहाजा तत्काल प्रभाव से मदद नहीं पहुंच सकी। इसी वजह से यह जहाज पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह आर्टिकल कैसा लगा।